नमस्कार, आप देख रहे सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पूरे देश भर में अगर देखिएगा तो सातवां चरण का मतदान हो चुका है। बिहार की बात अगर करते हैं तो 40 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन इस पूरे पिक्चर में देखिएगा तो पूरे 40 सीटों में जहां जहां से जो उम्मीदवार जो खड़े हैं, चाहे वो एनडीए से हो, इंडी महागठबंधन का हो या फिर निर्दलीय, उनकी क्या रूपरेखा है, किस तरह का हो सकता है संभावना है कि बढ़त बन जाए या उनकी जीत तय मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर एक से। सुनील कुमार जी हैं, जदयू से हैं, वाल्मीकि नगर से खड़े हैं, और इंडी से हैं दीपक कुमार, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। और जब देखा जाता है तो सुनील कुमार जी के कुछ पलड़ा भारी लग सकता है और हो ना हो इनकी जीत तय मानी जाए। दूसरा है संजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी चंपारण से हैं, और इनके जो विरोधी जो है वो है मदन मोहन तिवारी, जो कि कांग्रेस से हैं। जी हाँ, कांग्रेस से हैं, और फाइट जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त टक्कर है दोनों में। लेकिन इस टक्कर उठा पटक में जब देखिएगा तो संजय जायसवाल की जीत तय मानी जा रही है, संजय जायसवाल। तीसरा है राधा मोहन सिंह, भाजपा के हैं, पूर्वी चंपारण से हैं। राधा मोहन सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, और इनके जो विरोधी हैं वो है राजेश कुमार, वीआईपी पार्टी से है, मुकेश सहनी के पार्टी से है, ये इनकी सीधे टक्कर दे रहे। लेकिन ऐसी संभावना बन रही है कि राधा मोहन सिंह जी जो है 60% या 60% है कि इनकी जीत तय मानी जा रही है। और लवली आनंद जदयू से है, शिवहर से हैं, और इनके विरोधी हैं रितु जायसवाल, राष्ट्रीय जनता दल से है। लवली आनंद जो हैं आनंद मोहन जी की पत्नी हैं, और इसके पूर्व में भी लवली आनंद सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार बाजी जो है काफ़ी करवट माना जा रहा है, और ऐसी संभावना बन रही है कि इस बाजी में रितु जायसवाल जो आरजेडी से जो खड़ी है ये जीत सकती है, ये संभावना बन रही है। और पांचवा जो है देवेश चंद्र ठाकुर है, जदयू से हैं, सीतामढ़ी से हैं, इनके अपूर्ण राय राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन हाँ तय माना जा रहा है कि इस बार जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर विजय हो सकते हैं, यहाँ पर इंगित किया गया है। छठा है अशोक यादव, भाजपा से हैं, मधुबनी, जी हाँ मधुबनी क्षेत्र से खड़े हुए हैं, और इनके विरोध में जो विपक्ष में है वो है अली अशरफ फातमी, राष्ट्रीय जनता दल से। हो सकता है कि आश्चर्यचकित रूप से अली अशरफ फातमी जीत सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल से, ये मैं आपको यहाँ पर ये कर रहा हूँ। सातवां है रामप्रीत मंडल, जदयू से है, झंझारपुर से लड़े हैं, और इनके विरोध में है सुमन मासेठ जो कि वीआईपी पार्टी से, तो ऐसी संभावना है कि वीआईपी पार्टी से सुमन मासेठ जी जो हैं जीत सकते हैं, ये संभावना बन रही है। और उसके बाद जब देखिएगा तो आठवां दिलेश्वर कामत, जदयू से हैं, सुपौल से खड़े हैं, और इनके विपक्ष में जो है चंद्रहास चौपाल, राष्ट्रीय जनता दल से सीधी टक्कर है। और हो सकता है कि चंद्रहास चौपाल ये जो राजद से हैं वो जीत सकते हैं, ये भी मैं आपको मोहर बता देता हूँ, ये जीत सकते हैं। नौवां प्रदीप सिंह हैं, भाजपा के हैं, अररिया से खड़े हैं, और इनके जो विरोधी हैं शाहनवाज आलम, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। जी हाँ, इनके बारे में कहना है कि ये भाजपा से हैं, प्रदीप सिंह जी काफ़ी जुझारू नेता हैं, ये संभावना बने कि ये भी जीत सकते हैं अररिया से, ये जीत सकते हैं। यहाँ मुजाहिद आलम जदयू से हैं, किशनगंज से हैं, जी हाँ, और इनके विरोधी जो हैं मोहम्मद जावेद हैं और वो कांग्रेस से हैं, लेकिन वहाँ भी काफ़ी उलट फेर हो सकता है, और यहाँ से मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के हैं वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। दुलार चंद गोस्वामी जदयू के हैं, कटिहार से खड़े हैं, और इनके विरोधी जो है तारिक अनवर कांग्रेस से हैं, तारिक अनवर जो है बहुत पुराने नेता हैं और कद्देवार नेता माने जाते हैं तारिक अनवर को, ये कांग्रेस से हैं, इनकी संभावना बने कि ये भी कांग्रेस से जीत सकते हैं। अब आए संतोष कुमार जदयू से हैं, पूर्णिया से खड़े हैं, पूर्णिया के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं बीमा भारती जी हैं, राजद से हैं, और निर्दलीय सबसे चौंकाने वाली है, वहां से जो खबर आने वाली है वो है
पप्पू यादव का, राजेश रंजन और पप्पू यादव का त्रिकोणीय में हो सकता है कि वहां से पप्पू यादव जो है निर्दलीय निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पूरे बिहार का समीकरण देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर नजर रहेगा वो है पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया से ऐसा माना जाता है कि बीमा भारती पहले जदयू में थी और उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल में आए। पप्पू यादव ने काफी प्रयास किए थे कि उनके कांग्रेस से टिकट मिल जाए, अंततः जब टिकट नहीं मिली थी तो वो खुद अपने पार्टी को कह सकते कि निर्दलीय की भूमिका निभाने के लिए, और वहाँ उनके चाहने वाले का मांग था कि पप्पू यादव पूर्णिया से ही खड़ा हो। लेकिन यहाँ जब सवाल उठता है तो देखा जाता है कि इस निर्दलीय मोड़ पर पप्पू यादव हो सकता है कि दोनों की लड़ाई में पप्पू यादव विजय हो सकते हैं, ऐसी संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। और गोपाल जी ठाकुर भाजपा के हैं, दरभंगा से हैं। ललित यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल से हैं, गोपाल जी ठाकुर विजय हो सकते हैं दरभंगा से। राजभूषण निषाद भाजपा से हैं, मुजफ्फरपुर, जी हां मुजफ्फरपुर की चर्चा चलाइएगा तो मुजफ्फरपुर है। यहां से जो विरोधी जो हैं वो अजय निषाद हैं, यहां पे अजय निषाद जी कांग्रेस से खड़े हैं। संभावना बन रहे हैं कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के रूप में विजय हो सकते हैं, ऐसी यहां पर भी संभावना बन रही है। बीना देवी लोजप्पा से हैं, वैशाली से खड़े हैं, और इनका जो विरोधी जो हैं वो है मुन्ना शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल से। दोनों का देवार नेता है, चाहे अगर मुन्ना शुक्ला के बारे में कहेंगे तो लालगंज से भी विधायक रह चुके हैं, इस बार भी बहुत कद्देवार नेता है। तो यहाँ बीना देवी जब देखिएगा तो इनकी भी पलड़ा भारी है, लेकिन इस पलड़ा उठा पटक में हो न हो मुन्ना शुक्ला जो है राष्ट्रीय जनता दल से वैशाली यहाँ से जीत सकते हैं। दिनेश चंद्र यादव जदयू से हैं, मधेपुरा से हैं। कुमार चंद्रदीप राष्ट्रीय जनता दल से हैं, लेकिन इसमें संभावना बना है कि दिनेश चंद्र यादव जी जो जदयू से हैं ये जीत सकते हैं चुनाव वहां से। आलोक सुमन जदयू से हैं, गोपालगंज से हैं। प्रेमनाथ चंचल वीआईपी पार्टी से है, तो हो सकता है कि मुकेश सहनी को उससे फायदा मिलने वाला है कि इनके जो पार्टी के जो हैं वो वीआईपी पार्टी से प्रेमनाथ चंचल जी जीत सकते हैं। विजय लक्ष्मी जदयू से हैं, सिवान से हैं। अवध बिहारी चौधरी राजद से हैं, जी हाँ एक और त्रिकोणीय यहाँ को देखने को भी मिल रहा है, राजद से अवध बिहारी चौधरी, क्योंकि ऐसी संभावना बनाई जा रहा है कि हीना साहब जो कि स्वर्गीय साहबुद्दीन की पत्नी हैं, उनकी मांग थी कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिले, राजद के टिकट से वो चुनाव लड़े, लेकिन अंततः राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए हीना साहब निर्दलीय के रूप में वो चुनाव लड़ी है। तो यहाँ ये जब देखिएगा तो इस दोनों की लड़ाई में हो न हो अवध बिहारी चौधरी जीत सकते हैं, ये है संभावना। उसके बाद देखिएगा तो जनार्दन सिंह सिग्रवाल भाजपा के हैं, महाराजगंज से हैं। इनके विरोधी हैं आकाश प्रसाद सिंह, कांग्रेस से हैं। जनार्दन सिग्रवाल बड़े नेता, कद्दावर नेता, पूर्व के सांसद भी रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में निवर्तमान है, हो न हो फिर से एक पारी की फिर भी उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा से हैं, सारण से हैं। रोहिणी आचार्य राजद, राजीव प्रताप रूढ़ी देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अभी भी निवर्तमान सांसद है। जब राष्ट्रीय जनता दल के बारे में चर्चा चलाएंगे तो रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव जी के पुत्री हैं, और ये दोनों में काफ़ी फाइट है, जबरदस्त टक्कर है, क्योंकि जब देखा गया तो दोनों विरोधी जो है आपस में एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर जो बन रही है तो राजीव प्रताप रूढ़ी हो सकता है कि चुनाव फिर से जीतकर संसद में वो जाएंगे, ये है। और 21वां हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो देखिएगा पहला 21वां है चिराग पासवान, रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हुए हैं चिराग पासवान। और जब पहले देखते होंगे तो आप जमुई सीट, जी हाँ जमुई सीट से भी लड़े हैं, और इस बार जो है
हाजीपुर, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं रामविलास पासवान जी हाजीपुर में एक बहुत बड़े कद्देदार, कह सकते हैं कि एक समय था कि रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हुई है, और उनके पुत्र हैं चिराग पासवान, लोजपारा उनकी पार्टी है, हाजीपुर जो संसदीय जो क्षेत्र है वो है हाजीपुर। उनके जो अग्नेश कह सकते हैं विरोधी में है शिवचंदर राम, शिवचंदर राम जी जो हैं इंडिया महागठबंधन से हैं, राष्ट्रीय जनता दल से हैं, शिवचंदर राम जी मंत्री भी रह चुके हैं और राजद के एक बड़े नेता कह सकते हैं दोनों में, लेकिन संभावना पूर्ण रूप से माना जा रहा है कि इस बार जो है हाजीपुर से चिराग पासवान जो है वो विजय हो रहा है, ये पक्का बता रहा हूँ और कन्फर्म ऐसी संभावना बन रही है। दूसरे 22वां है नित्यानंद राय जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से उजियारपुर सीट से हैं, एक बड़े कद्दावर नेता हैं और होम मिनिस्टर का दायित्व इनके पास है, क्योंकि जब देखिएगा तो होम मिनिस्टर के रूप में अमित शाह जी के पास जब देखिएगा तो ये नित्यानंद राय जो हैं वो गृह राज्य मंत्री हैं और ये उजियारपुर से हैं। इनके विपक्ष में आलोक मेहता जी राष्ट्रीय जनता दल से है, तो इस बार भी चांस संभावना है कि नित्यानंद राय जो है विजय का परचम ये लहरा रहा है। 23 नंबर 23 शांभवी चौधरी लोजपारा समस्तीपुर से है और इंडी गठबंधन से है, सन्नी हजारी कांग्रेस से है, कभी समस्तीपुर के बेताज बादशाह हुआ करते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का एक सीट एक अहम मानी जाती थी, लेकिन लोजपारा जब लोजप्पा जब बदली हुआ चेंज हुआ पशुपालक में गया तो शंभवी चौधरी पर विश्वास रखकर चिराग पासवान ने इनको मौका दिया है और सन्नी हजारी कांग्रेस से है, लेकिन उम्मीद लग रहा है कि कहीं ना कहीं रूप से शंभवी चौधरी जो है दबदबा बना चुकी है और वहां से मजबूत मानी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एक संभावना बन रहा है क्या कि शंभवी चौधरी वहां से विजय हो जाएगी लोजपारा से शंभवी चौधरी। 24 गिरिराज सिंह भाजपा के हैं बेगूसराय सीट और इंडी महागठबंधन में देखते हैं तो अवधेश राय है CPI से हैं। इसके पूर्व में गिरिराज सिंह के बारे में बता देना चाहता हूँ कि बड़े भाजपा के कद्दावर नेता हैं, कन्हैया कुमार ऐसे शख्स को हरा चुके हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मौका दिया, केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ में भाजपा ने एक मौका दिया है गिरिराज सिंह को और काफ़ी बड़े मतों से ये जीतते आए हैं। इस बार भी एक संभावना बनी है कि गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से फिर परचम लहरा सकते हैं, यह उम्मीद बनाई जा रही है। 25 है राजेश वर्मा लोजपारा खगड़िया से हैं, इनके विरुद्ध है संजय कुमार CPM से हैं, तो यहाँ भी इसी तरह का देखने को मिल रहा है कि राजेश वर्मा जो लोजपारा से हैं और संजय कुमार CPM, क्योंकि वहाँ एक गट्स है दबदबा है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ से CPM से संजय कुमार जी जो हैं परचम लहरा सकते हैं, ये पूरी कह सकते हैं कि संभावना बन रहा है यहाँ। नंबर 26 अजय मंडल जदयू से हैं, भागलपुर से हैं और इनके जो विरोध जो हैं वो हैं अजीत शर्मा कांग्रेस से हैं, दबदबा भागलपुर से मंडल है मजबूत स्तंभ माना जाता है अजय मंडल का, तो ये भी इनकी भी संभावना बन रही है, पूर्ण रूप से संभावना बन रही है कि जदयू से इस बार भागलपुर से परचम लहरा सकते हैं। 27 गिरधारी यादव जदयू से हैं बांका और इनके विरुद्ध जो हैं वो जयप्रकाश नारायण यादव राष्ट्रीय जनता दल यू कह सकते हैं इंडी मार्ग गठबंधन से है। जब बांका के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, वहाँ उनका वर्चस्व था, दबदबा था, बहुत बड़े कद्दावर नेता था, उनकी पुत्री जो अभी भारतीय जनता पार्टी में विधायिका है और वो सीट पर गिरधारी यादव जो जदयू से है लड़ रहे हैं बांका, और जयप्रकाश नारायण यादव कभी सरकार जब बदली थी उस समय जयप्रकाश नारायण यादव केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से बन रहा है कि बांका से गिरधारी यादव की विजय संभावना पूर्ण रूप से बन रहा है कि वो वहां से जीत सकते हैं। 28 ललन सिंह
जदयू से हैं और मुंगेर सीट से हैं, अनीता देवी मंडल राजद से हैं, ललन सिंह अभी भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी कद्दावर नेता है। नीतीश कुमार के बाद अगर दूसरा कोई अगर नेता है तो वो ललन सिंह है। ललन सिंह पर आप विश्वास कर सकते हैं और पूरी संभावना है। वैसे उनकी प्रचार प्रसार में अगर देखते होंगे कि ललन सिंह भी काफ़ी मेहनत किए हैं, दौड़ किए हैं, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं किए थे। और उनके प्रचार में भी अगर देखिएगा तो अनंत सिंह जो काफ़ी कद्दावर नेता हैं, अनंत सिंह भी मुंगेर सीट पर ललन सिंह को विजय के लिए वो कह चुके हैं कि वहां से उनकी जीत पूरी हो रही है। तो मैं भी यहां पर जदयू से ललन सिंह विजय की पूर्ण संभावना बन रही है मुंगेर से। 29 कौशलेंद्र कुमार जदयू से है नालंदा सीट और उनके विरोध में है संदीप सौरभ माले से। कौशलेंद्र कुमार नीतीश कुमार के खसम खास, नीतीश कुमार के गिरी जिला है नालंदा, वहाँ से भी उनका वर्चस्व है। और जब देखा जाता है तो इनकी विजय एकदम संभावना बने कि ये जीत सकते हैं वहाँ से। 30 है रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से भाजपा के हैं, प्रत्याशी हैं, और इनके विरुद्ध जो हैं वो अभिजीत अंशुल जी हैं, कांग्रेस से हैं, इंडी महागठबंधन से। जब कहा जाता है तो रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं, जब देखिएगा तो कानून के तौर पर वकालत के तौर पर उन्होंने काफ़ी बेहतर कार्य किए थे। और चूँकि रामलला का जिसमें निर्माण हो रहा था उन तो उनके भी कानूनी लड़ाई में वो जीत गए थे। और इस बार भी भाजपा ने फिर से उनको मौका दिया है। और साथ में उनके जब विरुद्ध देखिएगा तो अभिजीत अंशुल जी बाहरी हैं, अभिजीत अंशुल जी जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के पुत्र हैं, स्वर्गीय जगजीवन राम जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री थे उनके नाती हुए हैं, इस बार उनको कांग्रेस से दिया गया है। तो ऐसी संभावना बन रही कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से फिर से परचम लहराने की पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। 31 नंबर रामकृपाल यादव भाजपा से हैं, पाटलिपुत्रा जो कि ये काफ़ी प्रतिष्ठित सीट है और ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार की नज़र देखिएगा तो पाटलिपुत्रा पर भी ज़्यादा रहता है। लालू यादव की पुत्री है डॉक्टर मीसा भारती है, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। इसके पूर्व में भी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ चुकी है, रामकृपाल यादव ने उन्हें बुरी तरह से हरा चुके हैं, लेकिन वहाँ एक बार पुनः फिर से संभावना, हालांकि दोनों में कांटे की लड़ाई हुई है, कांटे की टक्कर है, कसमकस है कि कभी पलरा मीसा भारती को तो कभी रामकृपाल यादव को, लेकिन अंततः संभवतः पूरा पूर्ण रूप से अस्पष्ट नजर आ रहा है कि एक बार फिर से रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से विजय संभावना बन रही है पूर्ण रूप से कह सकते हैं। आर के सिंह भाजपा से हैं, आरा से हैं और उनके विरोध जो है वो सुदामा प्रसाद है, माले के नेता है। आर के सिंह पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और काफ़ी उनको तजुर्बा है। और आरा ऐसा सीट जो कि उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, इस बार भी आर के सिंह का परचम लहराना बिल्कुल तय माना जा रहे थे, पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। मिथिलेश तिवारी नंबर 33 भाजपा से हैं, बक्सर सीट है, बक्सर सीट काफ़ी प्रतिष्ठित है और उनके विरुद्ध है सुधाकर सिंह है, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। तो सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी के पूर्व में जब देखिएगा तो अश्वनी चौबे वहां से नेतृत्व करते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अश्वनी चौबे को नहीं देकर मिथिलेश तिवारी को दिया। मिथिलेश तिवारी पूर्व के विधायक रह चुके हैं दूसरे क्षेत्रों से, लेकिन सुधाकर सिंह के बारे में जब कहा जाता है तो अश्वनी चौबे ने उनको फिर से एक बार हराने का काम किया था पिछले चुनाव में, इस बार अश्वनी चौबे को नहीं देकर मिथिलेश तिवारी को दिया, लेकिन काफ़ी मजबूत स्थिति माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह चुनाव राष्ट्रीय जनता दल से विजयी हो सकते हैं, पूर्ण संभावना बन रही है ये सुधाकर सिंह का। इस बार पहली आश्चर्य होगा बक्सर सीट से। शिवेश राम भाजपा से हैं, सासाराम सीट उनके विरुद्ध जो है वो मनोज कुमार है, कांग्रेस से हैं। सासाराम वो सीट है कभी कभी मीरा कुमार वहां से प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवेश राम को दिया है, लेकिन दबदबा है शिवेश राम का सासाराम से, लेकिन संभावना बन रही है कि शिवेश राम वहां से विजय
प्राप्त कर सकते हैं। ये 40 सीट का हम आपको बताएंगे, पूरे ग्राफ जब देखिएगा तो पूरे बिहार में लोकसभा के 1 से 40 सीटों का गणना बताया कि कौन पार्टी कितने है, क्योंकि आज मतदान संपन्न हुआ है। तो मतदान संपन्न के बाद बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे क्षेत्रों में देखिएगा तो आज काफ़ी गहमा गहमी हुआ, ऐसा कि काराकट हुआ, वहाँ से पवन सिंह है, वहाँ त्रिकोणीय है, कभी जब चुनाव जब पहले हुआ था उसमें पप्पू यादव आगे बढ़ रहे हैं तो कभी और बढ़ रहे हैं। ऐसी पूर्ण रूप से यहाँ का जब पूरे विश्लेषण किए हैं एसएसआई ट्यूब ने, तो संभावना बन रही है कि एनडीए 32 से 35 सीट की पूर्ण रूप से संभावना है इस बार। एनडीए 32 से 35, और जहां तक इंडी महागठबंधन के बारे में आप चर्चा चलाएंगे तो 6 से 8, लगभग 8 के दायरे में ये जो है वो इंडी महागठबंधन कह सकते हैं कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, माले है, ये तमाम पार्टियां जो हैं इंडी महागठबंधन में हैं। और एक बार पुनः हम आपको कह रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया महागठबंधन हो या एनडीए हो, अलग अलग 40 क्षेत्रों में अगर देखिएगा तो काफ़ी आश्चर्य रूप से, कहीं ना कहीं रूप से जब देखिएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा किस तरह का ऐसी विजय हुई है, लेकिन ऐसी संभावना बन रही है कि 32 से 35 के आसपास एनडीए अपना परचम लहराएगी। और साथ में जब देखिएगा तो फिर 6 से 8 के दायरे में ये इंडिया महागठबंधन का ये पूरे विश्लेषण 40 सीटों का आने का संभावना बन रहा है। SSR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, जय हिंद।